Hey guys and welcome to episode 9 of Power Ranger Marathon, जहां आज हम डिस्कस करेंगे Power Ranger Wild Force को. So without any further delay, let's start today's video. Welcome to A Squad. Make sure to subscribe. Power Ranger Wild Force. ये शो रिलीज हुआ था ईयर 2002 में. अगर बात करें तो इस शो में टोटल 40 एपिसोड थे और ये सीजन 10 था पावर रेंजर्स का. तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है क्लोई इवांस के एडवेंचर्स पर, जो कि एक टाउन में रहता है और उस टाउन का नाम है टर्टल कोव. वहां वो एक बार एक ऐसी जगह पहुंचता है जिसे लोग सोचते थे कि वो जगह एग्जिस्ट नहीं करती, और वहां वो अपने चार दोस्तों के साथ मिलता है और बनाता है वाइल्ड फोर्स रेंजर्स की टीम और बनता है लीडर. तो इस सीरीज में हमें देखने को मिला कैसे पावर रेंजर्स अपनी पावर को यूज करते हैं और लड़ते हैं मास्टर ऑर्ग से. जैसा कि हमने सीरीज में देखा, क्लोई को जानवर बहुत पसंद थे, लेकिन वो तब शॉक हो गया जब उसे पता चला कि ऑर्ग और उसके साथी बहुत ही हार्टलेस क्रिएचर हैं, वो किसी पर भी रहम नहीं करते. अगर बात करें तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि क्लोई को उसके माता पिता के बारे में पता चलता है, जो कि होते हैं रिचर्ड एंड एलिजाबेथ इवांस, और ये दोनों होते हैं प्रोफेसर टर्टल कोव यूनिवर्सिटी में. साथ ही इनका एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है विक्टर एडलर. इन तीनों को रिसर्च करने के लिए जंगल में जाना होता है और वहां इनको मिलता है हमारे मास्टर ऑर्क के कुछ अवशेष, जिसको हमारा एडलर चुरा लेता है और उसकी पावर को एक्सट्रैक्ट करता है ताकि वो रिवेंज ले सके एडलर से, क्योंकि एडलर ने एलिजाबेथ को उससे पहले प्रपोज कर दिया था. और जब वो इसकी पावर को यूज करता है तो वो पागल हो जाता है और वो दोनों रिचर्ड और एलिजाबेथ को मार देता है, और अब लोगों को लगता है कि उनका बेटा कोल भी मर चुका है. इसी सीरीज में हमें देखने को मिला एक एपिसोड जहां हमने देखा हमारी पावर रेंजर वाइल्ड फोर्स की टीम और टाइम फोर्स की टीम मिलकर लड़ती है तीन म्यूटेंट ऑर्ग से, जो कि अर्थ को पॉल्यूट कर रहे थे. साथ ही अगर बात करें तो इन एपिसोड में हमें बहुत सारे पुराने चीजों के बारे में भी पता चला. इसमें बहुत सारे पुराने रेफरेंस भी देखने को मिले. और अगर बात करें तो लोगों को ये वाली सीरीज पसंद भी आई, क्योंकि इसके बहुत सारे सीन्स बहुत ही मेमोरेबल थे. और जैसा कि हमें पता है ये 10th सीजन था हमारे पावर रेंजर्स का, तो यहाँ हमें एक स्पेशल एपिसोड भी देखने को मिला जहाँ हमें पुराने सारे रेड रेंजर मिलकर लड़ते हुए दिखते हैं हमारे एक विलन से. इस एपिसोड का नाम था फॉरएवर रेड, और यहाँ हमें पुराने 9 और रेड रेंजर भी देखने को मिले. और वो रेड रेंजर थे कुछ ऐसे. सबसे पहले जेसन ली स्कॉट, द रेड माइटी मॉर्फियन पावर रेंजर. उसके बाद हमें देखने को मिला रेड एलियन रेंजर. उसके बाद टॉमी ऑलिवर, जियो रेड रेंजर. इसके बाद टीजे, रेड टर्बो रेंजर. एंड्रॉस, रेड स्पेस रेंजर. लियो, गैलेक्सी रेड. इसके बाद कार्टर ग्रेसन, रेड लाइट स्पीड रेंजर. वेस्ली, एस टाइम फोर्स रेड. इसके बाद क्वांटम रेंजर एरिक माइल्स. तो ये सब थे हमारे रेड रेंजर जो हमें फॉरएवर रेड में देखने को मिले. तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस शो में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिले. तो सबसे पहले हमारे पास है रेड वाइल्ड फोर्स रेंजर, जो कि है कोल इवेंस. अगर बात करें हमारे रेड रेंजर की, तो ये एनिमल से बहुत प्यार करता था और ये बहुत ही जिंदा दिल आदमी था. अगर बात करें तो इसका कनेक्शन इतना अच्छा था एनिमल्स के साथ कि उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता था. इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास था येलो वाइल्ड फोर्स रेंजर टाइलर. इसके बाद ब्लू वाइल्ड फोर्स रेंजर मैक्स. ब्लैक वाइल्ड फोर्स रेंजर डैनी. व्हाइट वाइल्ड फोर्स रेंजर एलिसा. और लूनर वुल्फ रेंजर मैरिक. तो चलिए अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर इनकी कॉस्ट्यूम में ध्यान दे तो ये गोल्डन स्ट्रिप्स जो इनकी कॉस्ट्यूम में थी वो बहुत ही कमाल की थी. साथ ही इनके चेस्ट पर एनिमल लोगो, वो इनके एनिमल को डिनोट करता था. साथ ही अगर बात करें इनके हेलमेट की, तो वो भी एनिमल से इंस्पायर्ड थे. फैक्ट नंबर 2, अगर बात करें तो इस सीजन में हमें देखने को मिला कि डिज्नी ने इस सीजन के राइट खरीद लिए थे और पावर रेंजर इसके बाद डिज्नी के अंडर आ गया था. और जहां हमें देखने को मिलते थे फॉक्स चैनल पर ये पावर रेंजर्स, ये मूव हो गया था एबीसी में, और फिर हमें एबीसी में इसके अगले एपिसोड्स देखने को मिले. तो यही कुछ फैक्ट्स थे. अब बात कर लेते हैं कि मुझे इसमें क्या पर्सनली पसंद आया.
तो बात करूं तो फॉरएवर रेड का एपिसोड बहुत ही कमाल का था, और अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जल्दी से जाकर इसे देख लें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने व्यूज कमेंट जरूर करना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।